एक और बार आपका स्वागत है हमारी चैनल में। सबसे पहला सवाल ही ये है कि इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखती रहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस फ़ोन को पूरा खोलने वाला हूं और एकाध दो टेस्ट भी करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो हमको कितना पैसा खर्चना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये है वीवो Y200 5G, जिसमें रिंग लाइट दी हुई है ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की, और फॉक्स भी दिया हुआ है। और इसकी बॉर्डर भी आप लोग देख सकते हो, बोला गया है कि ये डस्ट प्रूफ है, तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे कचरा डालकर, और इसको बराबर से घिसेंगे, और घिसने के बाद फिर से चेक करेंगे कि डस्ट लगा है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो ये डाल दिया बहुत सारा कचरा, जो अगर आप लोग कवर में यूज़ करते हैं, कचरे को अगर साफ़ नहीं करते हैं, तो इस फ़ोन पर जो है वो स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रैचेस आते हैं या नहीं, इसको कवर भी पहना कर देखेंगे। हमने इतनी सारी मिट्टी लगा दी है कि कभी भी इसने पूरी ज़िंदगी में इतनी मिट्टी नहीं देखी होगी, इतनी ज़्यादा मिट्टी हम लोगों ने लगा दी है। अब इस कवर को निकाल कर देखेंगे, इस कचरे को साफ़ करके देखेंगे कि ये स्क्रैच प्रूफ है या नहीं। तो बिल्कुल ये डस्ट प्रूफ भी है और ये स्क्रैच प्रूफ भी है, इसके ऊपर कोई भी तरह का कोई भी स्क्रैच नहीं है। देखते हो बॉर्डर एकदम चमकीली है। बोलते हैं स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ तो नहीं है। IP54 रेटिंग है इसमें, तो अगर बारिश में कहीं भीगते भीगते जाते हो अच्छे सुहाने मौसम में, तो फ़ोन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये चल रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल आसान से बारिश में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर अगर पानी गया होगा, तो अगर ऐसा हो जाए आपके साथ, तो कोई बात नहीं है, हेयर ड्रायर मार देना, साफ़ हो जाएगा। फ़िलहाल तो हम लोग ये बैक पैनल खोल रहे हैं, अब आप लोगों को अंदर की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंदर क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है वीवो वालों ने, वो आपको दिखेगा। थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया तो ग्लू जो है वो आसानी से कट जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो बैक है ना, वो ग्लास है, कांच का बना हुआ है। अगर हम लोग इसको मोड़कर उखाड़ना चाहेंगे ना, तो ये नहीं उखड़ेगा। इसलिए इसका जो अंदर का कंपनी वालों ने जो ग्लू दिया है ना, उसको धीरे धीरे हीट करेंगे, लिक्विड डालेंगे, और इस ग्लू को काटते काटते हम लोग इस बैक ग्लास को धीरे धीरे खोलेंगे। अगर जल्दबाजी की ना, तो टूट जाएगा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है। कोई नहीं, हम लोग देखो धीरे धीरे इसको जो है वो निकाल रहे हैं। वीडियो में आप लोग बने रहना। अगर आप लोगों ने मेरी इसकी पुरानी वीडियो देखी ना हो, तो देख लेना, इसके पहले कैमरे का टेस्ट मैंने दिया हुआ है। थोड़ा सा बैक पैनल खुला है। वीडियो के बीच बीच में खामी और खूबियाँ बताऊँगा, बने रहना। अब अंदर जाने वाला एक लंबा सा जो है वो ओपनर डाल के देखते हैं, नहीं हुआ, क्योंकि अंदर जो है ना वो ग्लू बहुत सख्त है। तो जैसे ही हम लोगों ने वो लिक्विड डाला ना, तो पूरा ग्लू जो है वो आसानी से उसने उसको छोड़ दिया। तो ये है भैया इसका बैक पैनल। ऊपर फॉक्स है, दो कैमरे हैं, और नीचे रिंग लाइट है। रिंग लाइट में वो कैसे कलर की होती है वो देखना चाहती हूँ। फ़ोन हीट नहीं होता। ये रिंग लाइट में ये जो है वो प्लास्टिक लगा हुआ है, ये लाइट नहीं है, तो सिर्फ ऊपर का प्लास्टिक का कवर बता रहा था मैं आपको। वैसे ये इसका बैक पैनल है जो टूटा नहीं। ये इसका कैमरा है, देखो इसमें स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, 64 मेगापिक्सल का मेन और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी। और ये है आपकी जो है LED लाइट, जो सफ़ेद से और नारंगी और नारंग से सफ़ेद हो रही है। इस फ़ोन को बंद करेंगे, क्योंकि इसको पूरा खोलना है ना, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए फ़ोन बंद किया। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सिम ट्रे निकाल देते हैं। सिम ट्रे में खाली एक और दो ही सिम आ रही है, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है। और ये जो है ना गास्केट लगा हुआ है रबड़ का, जो पानी को अंदर जाने से रोकेगा, डस्ट को भी। पूरे 18 स्क्रू हैं, खोलने में वक्त लगा इसलिए उसको निकाल दिया मैंने। ये है मदरबोर्ड का कवर, इस पर जो है हीट सिंक लगी हुई है, और ये है हमारी LED जो पीछे से कनेक्टेड होती है। ऊपर भी फॉक्स के लिए कनेक्टेड है, दो कनेक्शन है यहाँ पे, एक ये रहा और एक नीचे दूसरा है।
अब हम लोग बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये डिस्प्ले का बेल्ट और ये मेन बेल्ट, ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं, जब बैटरी को निकालेंगे तब पता चलेगा। एंटेना वायर दो हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। इस फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, BGMI और फ्री फायर दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसको हम लोग जो है वो निकालना चाहते हैं, मदरबोर्ड सबसे पहले निकालेंगे। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 दिया है जो गेमिंग में बहुत अच्छा काम करता है। ये फ्रंट कैमरा जो है उसको थोड़ा सा अलग कर लिया और ये आसानी से मदरबोर्ड जो है वो अपना जगह से बाहर आ गया। ये है मदरबोर्ड। अब इसमें जो है CPU है, EMMC है, RAM है, कहाँ है वो तो इसको खोलेंगे तो ही पता चलेगा। ये ऊपर वाला ईयर पीस और नीचे वाइब्रेटर, जब फ़ोन आता है तो फ़ोन वाइब्रेट होता है ना वो, और ये वाला है ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप डाउन की। फ़ोन तो ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने इसमें गौर किया, जब हम लोग बैक पैनल निकाला ना तो बीच में कोई फ्रेम नहीं है, ये डायरेक्ट ही है, मतलब इसके खोलने की जो है वो थोड़ी सी, इसको फ़ोन खोलना और बंद करना थोड़ा आसान रहेगा। ये इसके बटन भी निकाल दिए। अब हम लोग जो है रिंगर असेंबली निकाल रहे हैं, देखते हैं रिंगर असेंबली के नीचे सब बोर्ड कितना है, कैसा दिखता है। ये रिंगर असेंबली और उसका कनेक्टर, ये है आपका डिस्प्ले और ये है मेन बेल्ट, दोनों के कनेक्टर। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर डिस्प्ले निकालनी हो ना और चेंज करनी हो ना तो आपको केवल जो है रिंगर असेंबली ही खोलनी पड़ेगी। हाँ, बैटरी को डिसकनेक्ट करने के लिए खोल भी सकते हो मदरबोर्ड का कवर। ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और ये है इसका नेटवर्क वायर, जिसको हम लोग एंटेना कहते हैं। सब बोर्ड को हम लोग बाहर निकालेंगे, सब बोर्ड को बाहर इस तरह से निकालेंगे आसानी से, लेकिन उसके नीचे एक जो है वो एंटेना वायर है लगा हुआ। ऊपर वाला तो हम लोगों ने निकाल दिया, ये नीचे भी लगा हुआ होता है। वाइड एंगल कैमरा नहीं है और कैमरा भी ठीक ठाक है, तो जो भाई रिपेयरिंग करते हैं उनको पता चल जाएगा कि इसकी डिस्प्ले जो है वो यहाँ से चेंज करनी है नीचे से। बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ायदा है उनके लिए, बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मदरबोर्ड का कवर निकाल सकते हैं। ये है इसका सब बोर्ड, ये इसका माइक होता है नीचे और ये है सिम ट्रे जहाँ पे सिम रहती है, सिम कनेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। बैटरी को निकालने के लिए जो है वो पहले ये वाली पट्टी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग जो है वो ग्रीन वाली पट्टी निकालेंगे। इस फ़ोन के लुक्स को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है और मैं समझता हूँ कि रिपेयरिंग करने में ये फ़ोन बहुत इजी है। इसको खींचेंगे, खींचने पर इसकी बैटरी जो है वो निकलनी चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी ये बैटरी जब नहीं निकली, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर दूँ तो इसकी डिस्प्ले भी क्रैक हो सकती है ना, तो हम लोग इसमें जो है वो लिक्विड डाल देते हैं। अब देखना, तुम 2-3 सेकंड में आसानी से ये बैटरी बाहर आ जाएगी। ऑरा लाइट का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन आउटडोर में ठीक है, इंडोर में अच्छा है। बैटरी निकल चुकी है आसानी से, बैटरी निकलना आसान था। ये बैटरी थोड़ी सी वो जो है वो स्टिकर से चोटी हुई थी ना, इसको सीधा कर दिया। बैटरी में है 4800 mAh। देखो भैया, दूसरे फ़ोन के अंदर जो है वो 5000 mAh की बैटरी आती है और इसमें जो है 4800 की ही बैटरी है। और ये है मेन बेल्ट जो आप लोग देख पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है। ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिए हैं। ये फ़ोन खुलने के बाद ऐसा दिखता है। डिस्प्ले निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो है ख़राब है नहीं, उसको वापस लगाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले अब इसको असेंबल कर देते हैं। मुझे ये एंटेना वायर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक ठाक लगी, इससे भी मज़बूत हो सकते थे। और ये सब बोर्ड को हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि भाई इसकी डिस्प्ले का जो कनेक्टर है और ये जो है ना लॉक है उसका, तो पहले ये वाला हिस्सा अंदर जाने देना पड़ेगा।
ये अंदर हिस्सा चला गया। अब हम लोग इस सबबोर्ड को बिठा दिए। अब ये डिस्प्ले का कनेक्टर भी अटैच कर दिया, मेन बेल्ट भी अटैच कर दिया। अब डिस्प्ले बोलो मेन बेल्ट बोलो दोनों एक ही हो गए हैं। ये चार्जिंग ऑडियो वीडियो लाने ले जाने का काम करता है। ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, इसको जब अटैच कर देंगे ना पूरा फ़ोन तब चला के देखेंगे ये चलता है कि नहीं। डिस्प्ले जो और ये जो है ना एंटेना वायर इसको लगा दिया तो फिंगरप्रिंट सेंसर चलेगा कि नहीं वो देखेंगे लास्ट में। बने रहना वीडियो में हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इसके टेस्ट आने वाले हैं। ये रिंगर असेंबली को लगा दिया, ये तो बहुत आसान था। रिंगर असेंबली मेरे को एकदम सादी सादी लगी, इसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं थी। और ये बटन भी देखो यार, ये आसानी से लग गया और इसके ऊपर लॉक भी लगा देंगे। मान लो कि अगर ये लॉक टूट जाए ना तो आपके बटन जो है वो आसानी से बाहर आ जाएंगे। हाँ इतना है कि इसकी जो फ्रेम है ना वो पूरी फ्रेम एक ही है, पूरी एल्यूमिनियम से बनी हुई है। पता नहीं कौन सा मेटल है इसमें, लेकिन इतना तो है कि वो जो प्लास्टिक की फ्रेम आती है ना वो तो नहीं है, पूरा एक साथ में दे दिया है। ये अच्छा किया, पहले ऐसे ही फ़ोन आते थे। आप मेरी रियलमी 11X 5G वाली वीडियो देखना। बैटरी को लगा दिया उसकी जगह पे, उसमें प्लास्टिक की फ्रेम थी एकदम सिंपल और फिंगरप्रिंट भी सिंपल था। स्टिकर तो आसानी से लग जाएंगे। तो बॉडी जो है मुझे इसकी लगती है बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसका हम लोगों ने जो है वो मिडल फ्रेम निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम एक ही थी। फ्रेम मजबूत, लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन कैमरे कम है और बैटरी भी कम है, पैसा ज़्यादा है। इसमें भी लॉक थे, पहले आप लोगों को जो है लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। एंटेना वायर लगा देते हैं। जब कैमरे में ऑरा लाइट चलाते हैं वाइट टू ऑरेंज, ऑरेंज टू वाइट, तब प्रोसेसर स्लो हो जाता है। यूट्यूब में वीडियो जब चलाते हैं तब उसकी क्वालिटी 360 से अगर 1080p पर जाते हैं तब उस वीडियो की क्वालिटी को 1080p पे आने में देर लगती है, मतलब वीडियो की क्वालिटी हमको गंदी देखनी पड़ती है। अब ये देखो, ये जो प्लास्टिक है ये जो है वो बहुत हल्की क्वालिटी का लगा था मुझे, प्लास्टिक इतना मजबूत नहीं था, एकदम हल्का सा प्लास्टिक। इसीलिए तो जो है ये वीवो के फ़ोन जो है वो बहुत हल्के होते हैं। सस्ता मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इसकी डिस्प्ले भी चेक की हुई है। इसकी डिस्प्ले भी जो है भले ही लोग लिखते हैं AMOLED लेकिन उतनी खास नहीं है। और कैमरा भी दो है, अगर रिकॉर्डिंग करोगे ना तो 1080 पर 60fps है ही नहीं, इसमें 30fps है और दो ही कैमरा है, ना वाइड एंगल है ना मैक्रो है। ये LED इस तरह से काम करती है। देखो फ़ोन तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्राइस अगर देखने जाए तो ठीक है। ये है ग्लास का कवर, अगर फ़ोन थोड़ा सा भी नीचे गिर गया ना आपसे तो ये कांच इसका टूट जाता है। तो हाँ देखने में तो एलिगेंट है, ब्यूटीफुल है, लेकिन पैसे मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।